गुड मॉर्निंग, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, जंतुओं में प्रजनन। आज हम इसी चैप्टर के बचे हुए पार्ट को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडे की संरचना। तो हमने पढ़ा था कि स्तनधारी जंतु होते हैं और अंडे देने वाले जंतु होते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं में जो अंडा होता है उसकी संरचना कैसे होती है। लुक एट द पिक्चर, दिस इज एन अंडा। ओके, अंडे का बाहरी कवच बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है। इस कवच को शैल कहते हैं। अंडे के आंतरिक भाग में बच्चे का विकास होता है और अंडे के बीच वाला पीला भाग योक कहलाता है, जो विकसित होने वाले शिशु के लिए भोजन का काम करता है। तो बच्चों, ये जो बाहरी पोर्शन है इसे हम कहते हैं कवच, और इसके अंदर जो पीला वाला पोर्शन होता है जिसे पीतक कहते हैं, ये होता है योक। और इसके बाद में एक वाइट कलर का इसमें लिक्विड रहता है, उसे बोलते हैं श्वेतक। तो बच्चों, ये जो कवच होता है, ये सेल का, इसे सेल भी कहते हैं, इससे सेफ्टी होती है। जो अंदर का पोर्शन होता है इससे इसकी सेफ्टी होती है, और जो पीला वाला भाग होता है यही बाद में विकसित होकर एक शिशु बन जाता है। अंडे के अंदर वायु विद्यमान होती है, इसके अंदर हवा भी होती है, जिसके कारण शिशु श्वसन करता है, मतलब जो बच्चा है उसको सांस भी मिलती है। योक के चारों ओर भरे हुए पानी जैसे सफ़ेद द्रव को एल्ब्यूमिन कहा जाता है, यानी ये जो श्वेतक है इसको एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। ये योक व शिशु को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। तो ये वाइट पोर्शन है, इससे इसकी सेफ्टी होती है। कीड़े मकौड़े, इंसेक्ट, समस्त प्रकार के कीड़े मकोड़े अंडों द्वारा विकसित होते हैं। मक्खी, कॉकरोच, मच्छर, तितली, ये सभी कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं। अधिकतम कीड़ों की मादाएं अपने अंडे किसी विशेष भोजन के पास देती हैं ताकि नवजात शिशु को आसानी से भोजन मिल सके। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पर ही अंडे देते हैं जहाँ पर उनके छोटे बच्चों को भी भोजन मिल जाए। अंडों से निकलने वाले बच्चों को अपने माता पिता के समान आकृति धारण करने में अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है कि वो अपने ही माता पिता जैसे बने। उसके लिए उन्हें बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे तितली का जीवन चक्र। अगर हम तितली के जीवन चक्र की बात करें तो ये 4 चरणों में कंप्लीट होता है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। तितली अपने अंडे को पत्तियों की निचली सतह पर देती है, यानी जहाँ पर पत्ती होती है उसके पिछले भाग पर वो अंडे देती है। अंडे से लार्वा बनता है जो कृमि की तरह दिखाई देता है, यानी कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, और कैटरपिलर पत्तियाँ खाकर बड़ा हो जाता है। कैटरपिलर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच जिसे कोकून कहा जाता है से बनता है, और ये कोकून में बंद हो जाता है। इस अवस्था को प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा गतिहीन होता है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये शांत पड़ा रहता है और भोजन भी नहीं करता है। अब प्यूपा तितली की आकृति प्राप्त करने के कुछ समय बाद अपने सुरक्षा कवच को तोड़कर बाहर आ जाता है, और अंडे से बाहर आया शिशु निम्फ कहलाता है, यानी अब इसे हम निम्फ कहते हैं। ये अपनी त्वचा को कई बार छोड़ता है, मतलब इसकी स्किन है बार बार निकलती रहती है। त्वचा छोड़ने की इस प्रक्रिया को मोल्टी या केंचुली कहा जाता है। इस प्रकार मच्छर और मक्खी भी अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के लिए इन्हीं 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। अब तिलचिट्टे को वयस्क होने तक की प्रक्रिया में 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे तितली को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा, ऐसे ही तिलचिट्टे को 3 चरणों में कंप्लीट करता है। जैसे आइए तितली को एक बार चित्र के थ्रू समझते हैं। ये था पहली स्टेज जिसमें इसने अंडा पत्ती के पिछले भाग पे दिया। उसके बाद में ये कैटरपिलर बन गया। जब ये कैटरपिलर बन गया उसके बाद इसने पत्तियों को खाना शुरू किया, और अब ये प्यूपा बन गया। और अब इसमें अभी तक इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब ये प्यूपा से बाहर आया तो बन गया निम्फ, और निम्फ से अब इसमें एक तितली बन गई, और अब ये तितली का रूप इसने धारण कर लिया। तो ये होता है तितली का जीवन चक्र। बच्चों, जैसे हमने तितली का जीवन चक्र पढ़ा, ऐसे ही है मछली और मेढक।
मछली और मेंढक जैसे जंतु भी अंडे ही देते हैं। ये जल में सुरक्षित स्थान पर अंडे देते हैं, यानी जहाँ पर ये सुरक्षित रख सकें अपने अंडों को, उस जगह पर अंडे देते हैं। इनके अंडे कवच से ढके नहीं होते, इनके चारों ओर जैली जैसा पदार्थ होता है, यानी एक जैसे पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन जैसी जैली में ये अपने अंडे को देते हैं, जो जल और शत्रुओं से इनकी सुरक्षा भी करता है। एक मछली हजारों की संख्या में अंडे देती है, लेकिन थोड़े ही अंडे शिशु मछली के रूप में विकसित होता हो पाते हैं। मतलब वो अंडे तो बहुत सारे देती है, लेकिन उससे जो शिशु मछली है वो बहुत कम ही बन पाते हैं, क्योंकि बाकी के वो खराब हो जाते हैं और वयस्क मछली बना पाते हैं, क्योंकि कुछ अंडों को दूसरी मछलियाँ भी खा जाती हैं, इसीलिए सारी मछलियाँ नहीं बन पाती हैं। तो बच्चों, अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है, आपको अपने अभ्यास के सही विकल्प पर सही के निशान लगाने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो मैंने पिछली क्लास में करा दी थी। आज आपको सही गलत पर सही के निशान लगाना है। पहला है, मछली हजारों की संख्या में अंडे देती है, सही बात है, तो सही का निशान लगाओगे। अंडे के बीच के पीले भाग को एब्यूमिन कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, एब्यूमिन ही कहा जाता है। लेकिन बच्चों, पीले भाग को नहीं, सफ़ेद भाग को एब्यूमिन कहा जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया। शुतुरमुर्ग अंडे देता है, सही। शिशु तिलचट्टे को टैटपोल कहा जाता है, गलत। टैटपोल मेंढक के बच्चे को कहा जाता है। उसके बाद में बच्चों, आपको करने हैं प्रश्न उत्तर, तो आपको दो ही प्रश्न उत्तर करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाला है, यदि जंतु प्रजनन करेंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए आपको आंसर में लिखना है, प्रजनन द्वारा सभी जीव जंतु अपने जैसे नन्हे शिशुओं को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, स्तनधारी जंतु कौन से हैं और उनका नेम बताइए उदाहरण सहित। तो आपको इसके लिए यहाँ से करना है, ऐसे जंतु जो पूरी तरह विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी जंतु कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, हाथी और मनुष्य। तो बच्चों, इतना वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।